मेरे क्षेत्र में 450 फीट नीचे पानी है। मैंने 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप मेरे कुएं पे लगाए। मुझे इलेक्ट्रिक का बिल कोई आता नहीं। पानी के कारण गांव का कैरेक्टर बदल गया। मेरे खेती के बाजू में एक नदी बह रही थी और मेरा 1 घंटा पंप चलता था, पानी नहीं था। मेरे क्षेत्र में 450 फीट नीचे पानी है, तो मैंने अपने नदी को ड्रेजिंग करके खोलीकरण रुंदीकरण किया और अब मेरे यहाँ 24 घंटे पानी चलता है। और फिर सोलर पंप की योजना आई, मैंने 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप मेरे कुएं पे लगाए और मेरे पास पूरी जमीन इरिगेटेड हो गई। मुझे इलेक्ट्रिक का बिल कोई आता नहीं और मैं तीनों पंप के साथ मेरी 65 एकड़ जमीन इरिगेटेड हो गई। अब यही हर गांव में हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि मैं जब काम करता हूँ, मैं ज़्यादातर किसानों में काम करता हूँ, तो मैंने वाटर कंजर्वेशन का काम किया, फिर किसानों को इकट्ठा किया, फिर मैंने उनको सोलर पंप दिलाया और मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, तो उनको गन्ना लगाने के लिए फिर बैंक से लोन दिलाया और धीरे धीरे मेरे क्षेत्र में जो गन्ना वाले हैं वो कोई लखोपति बन गए और गांव में गाड़ियां आ गई, उनको पैसा मिलने लगा। पानी के कारण गांव का कैरेक्टर बदल गया, तो मैं अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में वहां काम कर रहा हूं। तो धीरे धीरे इसके बेनिफिट बहुत है, पर राज्य सरकार अगर वो रॉयल्टी फ्री नहीं करेगी, वो बोलेंगे रॉयल्टी भी दो इसके ऊपर, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों करेगा फुकट में काम। ये प्रॉब्लम है।